हम सभी कभी न कभी यह जरूर सोचते हैं कि अगर सूरज अस्त ना हो तो कैसा होगा, मगर सूरज के आगे किसकी चलती है, वह अपनी मर्जी से निकलता है और अपनी मर्जी से अस्त भी होता है। लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां सूरज अस्त नहीं होता और वहां रात नहीं होती। जानिए ऐसी ही जगहों के बारे में। नॉर्वे, यह देश आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, इसे मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक यहां सूरज अस्त नहीं होता। जो आप नज़ारा देख रहे हैं वह दिन का नहीं बल्कि रात का है। बेशक इस अनुभव को वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। स्वीडन, स्वीडन में तो करीब 100 दिनों तक सूर्य अस्त नहीं होता। यहाँ मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता और जब ढलता है तो आधी रात को फिर सुबह 4:30 बजे तक निकल भी आता है। आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के बाद यह यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ आप रात में भी सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ 10 मई से जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता। कनाडा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो साल में लंबे अरसे तक बर्फ से ढका रहता है। हालांकि यहाँ के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में गर्मी के दिनों में 50 दिनों तक सूरज लगातार चमकता भी है। फिनलैंड, हजारों झीलों और आइलैंड से सजा हुआ यह देश काफी सुंदर और आकर्षक है। गर्मी के मौसम में यहाँ करीब 73 दिनों तक सूरज अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। घूमने के लिहाज से यह देश काफी अच्छा है। अलास्का, खूबसूरत गलियारों वाले अलास्का में मई से जुलाई के बीच सूरज नहीं डूबता, यानी यहां रात को करीब 12:30 बजे सूरज अस्त होता है और 51 मिनट बाद सूर्य उदय भी हो जाता है। इन देशों के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।